पाल वर्ल्ड का एक सीक्रेट ट्रिक मुझे पता चल गया है। सामने अनुबिस्ट है, इसको हम कितना भी डैमेज दें ए हमें नहीं मार पाएगा। देखो अभी मैं इसको एक डैमेज देने वाला हूँ, ए हमारा और हमारे पोकेमोन का कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इसको इजी तरीके से कैप्चर कर सकता हूँ और हम इसे पोकेमोन से भी तगड़ा वाला डैमेज दिला सकते हैं। और क्या होगा अगर हम दोनों भाई ये मुसांडा भाइयों की साथ में ही ब्रीडिंग करा दें, जो दोनों ही बॉस पोकेमोन है, तो इनसे कौन सा पोकेमोन मिलेगा। वेलकम बैक हो गया सभी का पाल वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड में। आज हम कराने वाले हैं दोनों मुसांडा की ब्रीडिंग और उसी के साथ में कैप्चर करेंगे अनुबिस्ट को और छोटे मोटे कुछ बॉस पोकेमोन्स को भी। पहले इसको उठाता हूँ मैं और सबसे पहले इसको डाल देता हूँ ब्रीडिंग फार्म के अंदर। तो चल भाई इसको यहाँ पर फेंक देते हैं और अभी इनका ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमें ज़रूरत है एक एग की, लेकिन उससे पहले इसको खोलते हैं इस एग वाले को। इसके अंदर से निकला भाई ये नाइट विंग। पहले तो एक केक लेके आते हैं और इनको खिलवा देते हैं पहले तो खड़ाघट से। और अपना जो न्यू वाला एक पोकेमोन निकलेगा वो कौन सा पोकेमोन रह सकता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना यार। यहाँ से एक एग उठा लिया, मतलब केक यार। एक केक उठाने के बाद और केक बनाने के लिए कुछ आटे की ज़रूरत पड़ रही है और मिल्क की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मैं पहले तो आटा बना देता हूँ। इस अपने इसकी मदद से क्रेशर के पास चलते हैं और यहाँ पर मैं आटे को बना देता हूँ। इसको खटाखट से करते हैं, मैक्स कर देते हैं और चलो भाई ये अपना आटा बनने लगा। और अभी इनको केक खिलवा देते हैं खटाक से तो अपना एक और काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर पे इस डब्बे के अंदर अपन केक को डाल देते हैं। चलो भाई अपना एक और काम हो चुका है और अपन को मिलेगा एक न्यू बॉस पोकेमोन। वो कौन सा वाला है आपको देखना है तो वीडियो को देखते रहना। खटाखट से यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा बहुत भाई आयरन बना देते हैं, क्योंकि देखो अभी हाइपर स्पेयर की ज़रूरत है हमें अनुबिस्ट को कैप्चर करने के लिए। अगर हम उसको तगड़ा वाला डैमेज देकर एक HP भी कर देते हैं तो उसके लिए भी हमें थोड़ा हाइपर स्पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। वो छोटे वाले हाइपर स्पेयर में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर इसको क्या तकलीफ है भाई, ए ड्रैगन सो रहा है तो इसको कोई दिक्कत आ गई। लेकिन इनका जो एग निकला है वो है भाई एक आइस टाइप एग। ये क्या ही सीन है यार, ये तो देखो ये बिजली वाला है और ये फॉरेस्ट वाला है, तो इसके अंदर से आइस टाइप पोकेमोन वाला एग कैसे निकला। देखेंगे कि इसके अंदर से कौन सा वाला पोकेमोन निकल सकता है। दोनों का ब्रीडिंग हुआ तो इन्हीं में से कोई निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। इस वाले एग को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इनके भाई एक एग गड़बड़ है साथ से, देखेंगे कौन सा पोकेमोन निकल सकता है। 40 मिनट का टाइम चल रहा है, तब तक चलते हैं भाई एक केप को एक्सप्लोर करने। मुझे पता चला कि यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक डंजन है, इसके अंदर हमें लकी पोकेमोन मिलने के चांसेस रहते हैं ऐसा भाई मुझे पता चला है। तो चलते हैं इसके अंदर। अभी भाई ये तो डेंजर पोकेमोन है यार, इसमें लेकिन थोड़ा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर ये बच्चे वगैरह घूम रहे हैं तो भाई तू इनको मार दे और मैं इधर से जब तक निकलता हूँ। इन्हें भाई जो ये गार्ड्स रहते हैं ना ये बहुत ही तगड़े वाले रहते हैं, लेकिन अपने एक दो पोकेमोन के अटैक इनको ख़त्म कर देते हैं। अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और चलते हैं बॉस पोकेमोन को मारने। इनको छोड़ देता हूँ मैं, थोड़ा टाइम और लगेगा। लेकिन अभी मुझे कोई पोकेमोन क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं कहीं पर पोकेमोन रहते हैं तो अभी तक मिल क्यों नहीं रहा यार। और अभी यहाँ से और आगे चलते हैं, क्या आ गया है वही जादू ट्री, यहीं पे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो अभी आने वाले हैं साथ से। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना यार। और कोई भी पालवन का मिथ हो या फिर ब्रीडिंग वो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मिथ वाली वीडियो भी आप देख सकते हो जो कि बहुत ही प्यारी वाली थी यार। यहाँ पर एक डेंजर पोकेमोन है जो कि डार्क टाइप पोकेमोन है और इसका लेवल कितना भी, लेवल तो इसका बहुत ही तगड़ा ही दिख रहा है यार। इसके ऊपर बॉल फेंकता हूँ, मतलब पोकेमोन यार एक अटैक दिया मैंने तो अपना पोकेमोन भाई इसको कम ही डैमेज में ख़त्म कर देगा। अभी खटाखट से फाइट शुरू हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे घूमता रहता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ कम नहीं होनी चाहिए। अभी हमें एक बॉस पोकेमोन से भी फाइट करनी है, इसकी हेल्थ बहुत ही कम है। एक बॉल फेंका है छोटा वाला भाई, पाल स्पेयर इसके अंदर नहीं आ रहा है। ग्रीन वाला फेंकते हैं, थोड़ा मेगा स्पेयर वाला, इसको फेंका भला ही नहीं यार। इसमें 4% चल रहा था, 17 हो चुका है। रिंग ऑफ मर्सी पहन लेता हूँ, कहाँ पर गई, इसको पहन लिया है। और अब इसके ऊपर एक थोड़ा हाइपर स्पेयर और फेंका, इसके बाद एक और बड़ा वाला है मेरे पास, लेकिन इसी में आ जाएगा तो अच्छी बात है, आ चुका है। चलो भाई अपना एक और न्यू पोकेमोन कैप्चर हो गया है, तो चलते हैं अपने बॉस पोकेमोन को कैप्चर करने। इन बच्चों को यहीं पर रहने दो और निकलते हैं भाई आगे के साइड में।
बिना देर किए आ चुके हैं। थोड़ा और जाना है मुझे और अपन पहुंच जाएंगे उसी बॉस पोकेमोन के पास। थोड़ा और चलते यार, यहाँ पर देखो ए वाले बॉल में आ जाएगा क्या? 173 बॉल्स है मेरे पास, मतलब बॉल तो ज़्यादा ही है लेकिन इनका ज़रूरत ही नहीं है यार। उतना छोटा पोकेमोन ही नहीं है जिसे, अबे ये तो भाई वो लड़की वाला पोकेमोन है, इसको मैंने 2-3 बार ही कैप्चर किया है लेकिन यही डार्क टाइप वाले ज़्यादा ही मिलते हैं बड़ी बड़ी केवों के अंदर, तो भाई इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, अपन सेल करके मोटा पैसा छाप लेंगे। पहले तो पाल्स की हेल्थ फुल कर ली है मैंने और इसको कट करते हैं अभी खटाखट से। इसके बाद में अपन भाई फाइट करने वाले हैं, क्या अपना पोकेमोन इसको वन शॉट कर सकता है देखते हैं। 29 लेवल का पोकेमोन है जिसकी 2000 के ऊपर हेल्थ भी है, अपना पोकेमोन गया देखते हैं कैसा डैमेज रहेगा। पहला अटैक कर दे भाई, कितना का गया? अटैक ही नहीं हुआ यार, पहला अटैक 300 का दिया उसने लेकिन अपने वाले का कितना अटैक है? पत्थर फेंका 80 का अटैक भाई। यहाँ पर मैं मार के देखता हूँ अब एक गोली में कितना अटैक होता है। थोड़ा ही पास में आ जा, एक हेड पे 81 का डैमेज गया। अपना अनुबिश इसको भाई 2-3 शॉट के अंदर ख़त्म कर देगा लेकिन इन छोटे पोकेमॉन्स को भी मौका देते हैं ए भाई मार पाएंगे कि नहीं। तो चलो भाई ऐसे थोड़ा बहुत डैमेज हो रहा था, मैं इससे फाइट करता रहता हूँ, बस मेरे को इससे बचना है यार क्योंकि देखो अपना हेल्थ कम नहीं होना चाहिए। पोकेमॉन तो इसकी बाट लगा ही देंगे, अनुबिष्ट को बुलाना पड़ेगा। देखो इसने कितनी ज़्यादा हेल्थ कम कर दी अपने पोकेमॉन की, भाई पोकेमॉन नहीं मरना चाहिए। एक और अटैक तगड़ा ही वाला, अभी मैं इसको मार सकता हूँ लेकिन भागता हूँ उधर से पहले, गन को रीलोड करना है ना यार। एक पत्थर फेंका, अबे मेरे को लगा मेरे को पत्थर फेंक के मार रहा है क्या ये? ए भाई बहुत ही तगड़ा डैमेज दे रहा है यार, अनुबिष्ट की बारी भाई। अनुबिष्ट देखो बच्चा है लेकिन वो इसकी बाट लगा देगा 2-3 शॉट में ही, देखते हैं अभी क्या ही होने वाला है भाई। अभी अपना पोकेमोन का 63 का अटैक, दूसरा वाला अटैक और तीसरा अटैक, भाई आग पड़ चुकी है, बहुत ही तगड़ा डैमेज। इस वाले में भी उसकी आधे से ज़्यादा हेल्थ कम हो गई है। एक और तगड़ाई वाला अटैक गया 68 का, सेकंड अटैक भाई कौन सा रहेगा? ए भाई वही वाला यार, एक देखो अभी आग लगा देगा। एक और तगड़ाई अटैक, इसकी हेल्थ बहुत ही कम हो चुकी है, गीगा स्पेयर में आ जाएगा, फेंक के देखो क्या। एक और अटैक, थोड़ी और हेल्थ कम कर लेते हैं इसकी भाई, मार एक और तगड़ाई अटैक। आग लग चुकी है अनुविष्ट के ऊपर बट उसका कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड अटैक हुआ है, इसकी हेल्थ 700 बची हुई है, एक और मैंने दिया 600 हो चुकी है। एक और अटैक हुआ अनुविष्ट का, एक और तगड़ाई अटैक उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कम कर सकता है, बस मैं यहाँ से भागता हूँ पहले। एक और तगड़ाई अटैक, इसमें हेल्थ कम हुई थोड़ी सी, एक नॉर्मल स्पेयर में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा वाला स्पेयर फेंका, 5% कैप्चर रेट इसमें भी नहीं आया, तो थोड़ा बड़े वाले पे चलेंगे अभी लेकिन इसकी हेल्थ कम करता हूँ मैं पहले। एक और तगड़ा अटैक अनुबिष्ट का भाई, 421 हेल्थ बची हुई है, एक बॉल फेंका, 5% का कैप्चर रेट आएगा क्या? देखते हैं आएगा कि नहीं, आना चाहिए लेकिन 30% से बाहर निकल के आ गया। फेंकेंगे अभी गीगा स्पेयर भाई, एक और अटैक इसमें ही आ जाएगा ये तो, 5% चल रहा है, आ जाएगा तो अच्छी बात है। इस वाले को फेंका, देखते हैं 14% आएगा क्या। आ जा भाई, कितने नाटक है यार इस वाले पोकेमोन के, आ ही नहीं रहा। देखो अनुबिष्ट का एक और अटैक होता है तो उसकी और भी ज़्यादा हेल्थ कम हो गई, एक और फेंका फिर से, 16% भाई फिर से आएगा क्या, देखते हैं भाई आ जाएगा शायद। अबे तेरी भाई 50% कम पे से ही निकल के आ रहा है ये, थोड़े हाइपर स्पेयर और बनाने पड़ेंगे, ग्रीन वाले स्पेयर से कुछ नहीं होने वाला है, अभी रेड वाले पे अपग्रेड करना पड़ेगा अपन को। अबे तेरी भाई क्या ही अटैक दे रहा है ये अनुबिष्ट, एक दो अटैक और कर इसके ऊपर, इसकी हेल्थ 100 कर लेते हैं अपन पहले। एक तगड़ा अटैक मेरे पीछे आ रहा है भाई, इसका अटैक देखो मेरे पीछे ही आ रहा है, ये तो बचना पड़ेगा, भागता हूँ। एक और वॉल फेंका, 16% है, 18 हुआ, आ जाएगा तो अच्छी बात है, 99% चल रहा है इसका हेल्थ, मतलब बहुत ही कम था, तो आ गया भाई अपना एक बॉस पोकेमोन। चलते हैं अपने बेस पर क्योंकि अपन ने कर लिया बॉस पोकेमोन को कैप्चर, अभी अनुविष्ट को कैप्चर करने जाना है बट उससे पहले हमको गीगा स्पेयर्स बड़े वाले बनाने पड़ेंगे। तो घटाघट से पहले तो घर के बाहर मतलब केप के बाहर चलते हैं, और यहाँ पर कोई अच्छे पोकेमोन्स है क्या जिनको मैं कैप्चर कर सकूँ? सारे के सारे नकली पोकेमोन है, तो भाई घटाघट से इन अपने पोकेमोन्स की हेल्थ फुल कर लेते हैं। और भाई अपन करने वाले हैं आ चुके हैं अपने बेस पर,
बेसबर्ग इसलिए आए आपको बता दूं कि पहले तो हमें कुछ मेगा स्पेयर की ज़रूरत है, उनको बना लेते हैं तो ओपन अनुबिस्ट को कैप्चर कर सकते हैं इजी तरीके से। इसके अंदर मैं इन्वेंट्री खाली करता हूँ, इसको डाला लेदर को, मिलकर डाल दिया, आग वाले डाल दिए और अपन एक पावर वाला बो जनरेटर लगाने वाले हैं जिससे आग लगेगी, मतलब पावर आने लगेगा करंट। तो उसको यहाँ पर लगा देता हूँ तो अपनी ये मशीन चालू हो जाएगी, अनुबिस्ट को भेजता हूँ। ये वाला भी कर रहा है काम, तो बिल्कुल स्पीड इसकी कम है यार। अनुबिस्ट को भेजा, देखते क्या ही जल्दी जल्दी बन जाएगा। एक दूसरा बूसी आ चुका है काम करने, इसका 21% का टाइम चल रहा है यार, खटाखट से बनवा लेते हैं। 18 सेकेंड, 17, 16, 15, 14, भाई जल्दी ही बना दे यार। 13, 12, थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन ये बना रहा है। जब तक मैं एक पॉकीमोन को चेंज कर देता हूँ यार, इसको कंफर्म कर लेता है पहले, क्योंकि हमें एक पॉकीमोन की ज़रूरत है जो इसको करंट डालेगा, इसमें चार्ज करेगा। देखो पावर से चार्जिंग 0% है, तो उसके अंदर एक पॉकीमोन को छोड़ना पड़ेगा अपने बेस पर जो भी करंट फेंकता हो, और वो भी अपने पास एक बॉस पॉकीमोन है जिसको मैंने भाई बहुत ही डेंजर तरीके से कैप्चर किया हुआ था। यहीं कहीं पर होना चाहिए, वो मेरी इन्वेंट्री में नहीं है लेकिन नहीं कहीं पे घूमता रहता है वो, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। सेकंड टाइप साइड भी नहीं है, ये नकली पॉकीमोन है, यहाँ पर कहाँ गया यार, इधर कहीं होना चाहिए। इसको अलग कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पर डाल दिया। ए रहा भाई, ए देखो क्या ही इसके तगड़े वाले करंट वाले अटैक है। इसको डाल दिया अपने बेस पर, इसको ले लेते हैं अपनी इन्वेंट्री पर क्योंकि इसके ऊपर अपन बैठ के उड़ सकते हैं। चलो भाई अपना एक काम हो चुका है। ए देखो अपना खंबा चार्ज होने लगा है, मतलब बैटरी चार्ज यार। इधर पे अपना जो है भाई हाइपर स्पेयर भी बन सकता है। देखो 4% चार्जिंग है, ये 100% होगा। इधर पे देखो भाई ये रेड वाले स्पेयर्स, इनको बना लेता हूँ भाई। पहले गीगा को बनाते हैं, फिर रेड वालों के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ही आइटम की ज़रूरत है, मतलब उसके लिए हमें सीमेंट बनाना पड़ेगा, और सीमेंट बनाना भाई थोड़ा कठिन काम है लेकिन हम उनको भी बनाएंगे सिर्फ ओनली अनुबिस्ट को पकड़ने के लिए। अभी खटाखट से बना दे भाई, क्या ही नाटक है इसके, खटाखट बना दे। 6 ही चाहिए, 1 हो गया, 2 हो चुके हैं, 3 भाई, 4 और 6 हो गए यार, इतने जल्दी बना दिया इसने। अभी चेक कर लेते हैं ग्रीन वाले कितने। ए देखो भाई इनके लिए सीमेंट और आयरन की ज़रूरत है। तो भाई अपन आ चुके अनुबिस्ट वाले इलाके पर, यहाँ पर ही रहता है अनुबिस्ट, तो उसके ऊपर बैठ जा रहा भाई। अटैक क्यों कर रहा है यार, किसी को भी मार देता है, अटैक मत कर तू किसी को भी, यहाँ पर बच्चे लोग घूमते हैं, तू किसी को भी मार देता है, नॉट अटैक। चलो भाई अपना काम हो चुका है और चलते हैं अपन थोड़ा बहुत आइटम कलेक्ट करने। इधर पे बच्चे भी घूमते रहते हैं और अभी आ चुके अपन अनुबिष्ट वाले इलाके पर, सामने अनुबिष्ट दिखाई दे रहा है तो अपन को जाना है उसी के पास में। तो देखते हैं क्या हम अनुबिष्ट को कैप्चर कर सकते हैं यार, मतलब मर्जा आ जाएगा अगर हम उसे कैप्चर कर लेते हैं तो वो जेट ड्रैगन और दूसरे पॉकीमोन को ईजी तरीके से डिफीट कर देता है, बस उसके जैसे 2-3 अनुबिष्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अभी थोड़ा दूर ही है वो, लेकिन उसके पास तो जाना है भाई। अभी खटाखट से चलता हूँ बिना देर के हुए, और यहाँ पर टर्टल घूमते रहता है, बहुत ही डेंजर टर्टल है ये, उतने नहीं है अपन से ज़्यादा डेंजर कोई नहीं है इस गेम के अंदर, बस थोड़ा बहुत पावरफुल पॉकीमोन है यार, जैसे बड़े लेवल वाले हाई बॉस पॉकीमोन। तो अपन आ चुके हैं भाई अनुबिष्ट के इलाके पर, और इधर पे आके अपना सबसे पहला वाला काम जो है यहाँ पर अनुबिष्ट के पास जाके उससे बातचीत करना। तो आ चुके हैं अनुबिष्ट के पास में, चलो भाई अपना अनुबिष्ट यहीं पर है, तो अपन को क्या करना है, इस दीवार के अंदर जाना है अनुबिष्ट को मारने के लिए। अनुबिष्ट दिखाई तो नहीं दे रहा कहाँ पर है, ए है भाई अपना अनुबिष्ट सामने ही घूम रहा है, और उसके पैर कहाँ पर अपन जाने वाले हैं उसके लिए मुझे यहाँ पर पीछे साइड से जाना पड़ेगा। पहले तो इस पत्थर वाली दीवार के ऊपर चढ़ते हैं और देखेंगे कि हम सच में इस दीवार के अंदर जा सकते हैं। तो चलो भाई देर नहीं करते और चढ़ जाते हैं इस दीवार पर। तो भाई ये वाली मिथ और टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने मिथ वाले चैनल मतलब वीडियो पर बताया हुआ था। इस दीवार के अंदर आ चुके हैं तो आगे साइड चल के अपन को इस दीवार के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो भी यहाँ पर तो आ चुके हैं, बस यहाँ पर एक लटकने वाली जगह चाहिए जहाँ पर अपन लटक सकें और अपने पॉकीमोन को एक कमांड दे सके। यहाँ से काम नहीं बनेगा, बट अपन थोड़े इस साइड को चलते हैं। यहाँ पर एक गन है, चिपकू गन है, और इसको अलग करके भाई टॉर्च को रख लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है उस जगह पे। ये देखो भाई अपन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अपन आ चुके एक पत्थर के अंदर, और ये है भाई इनविजिबल बॉल।
जिसके बाहर अपन मार सकते हैं किसी भी पॉकेमन को, लेकिन कोई अंदर अपन को नहीं मार सकता। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मारेगा, कोई पॉकेमॉन्स भी अंदर अटैक कर देते हैं अपने ऊपर। तो यहाँ से इस वाली कमांड को देना है और अपने पॉकेमॉन के ऊपर बैठ जाना है, लेकिन अपन निकल नहीं पाए इसके अंदर। तो थोड़ा भाई केप के अंदर साइड चलते हैं और इसी चीज़ को यूज़ करना है। पहले तो यहाँ पर लटकना पड़ेगा, तो अपन भाई लटक चुके हैं और अपने पॉकेमॉन को एक कमांड देनी है और इसके ऊपर बैठ जाना है। तो अपन आ चुके हैं भाई दूसरे पत्थर के अंदर। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक सीन है। इधर से अपन फिर से अगर लटकते हैं तो अपन पहुंच जाएंगे सेकंड वाले पत्थर के अंदर, मतलब जहां पर वो अनुबिष्ट बैठा होगा। तो इधर से थोड़ा लटकने का जगह नहीं मिल रहा मुझे, बहुत ही ज़्यादा खाई है यार, एलिमिनेट ना करा दे मुझे। अभी आ चुके हैं, थोड़ी देर बाद अपना पॉकेमॉन के ऊपर बैठना है। चलो भाई इधर से काम नहीं बन रहा है अपना, थोड़े नीचे साइड चलता हूँ, इधर से यूज़ करके देखते हैं। तो अपन आ चुके हैं भाई सेकंड दीवार के अंदर और बहुत ही खतरनाक तरीके से फंस चुके हैं। बस इधर से निकलने के लिए एक ही दीवार है और यहाँ पर एक कमांड देना और भाई अपना पॉकेमॉन इधर पर ही बैठा दे रहा है। तो अपन गलत तरीके से तो फंस चुके हैं, लेकिन यहाँ से निकलना है भी एक अच्छी बात है कि मैं थोड़े नीचे आके एक कमांड देता हूँ। तो अपन पहुँच चुके हैं भाई अनुबिष्ट के पैरों के पास में, ये देखो भाई। तो अभी रात भी हो चुकी है, तो अगर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं तो यहाँ पर पहले एक पेटी लूट लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी अपन अनुबिष्ट जहाँ पर स्पॉन होता है उसी जगह पर, अगर अनुबिष्ट कहीं पर घूमता है और वो थोड़ी देर बाद इस जगह पर स्पॉन हो जाता है, तो देखते हैं थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं क्या अनुबिष्ट यहाँ पर आ जाएगा। अपने पॉकेमॉन को फेंका हुआ है, अगर यहीं कहीं पर रहता है तो उसके ऊपर पॉकेमॉन अटैक करेगा, कोई भी पॉकेमॉन हो या अपन उससे बातचीत करके उसको कैप्चर कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर से मैं यहीं पे घूमता रहता हूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट लग गए थे यहीं पे अंदर घूमते घूमते, मतलब रियल लाइफ वाले। और थोड़ी देर बाद भाई आ जाता है भाई पॉकेमॉन। देखो यहाँ पर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉकेमॉन फेंकता हूँ। रात से सुबह हो जाती है इसी केव के अंदर, और भाई थोड़े समय बाद देखो क्या होता है, मेरे सामने अनुबिष्ट प्रकट हो जाता है। मैं इसको बिना देर के 5 का डैमेज देता हूँ अपनी गन की मदद से। ये अपने पॉकेमॉन को मार रहा था, तो अपन को भाई पॉकेमॉन को अच्छे तरीके से बचाना पड़ेगा, नहीं तो इसका एक अटैक अपने पॉकेमॉन को मार सकता है। और गन में इतनी एमो लेके आना कि इसका भाई 4000 हेल्थ कम करना है, और भाई 60-60 का डैमेज नहीं जाएगा आपका, जाएगा भाई 20 से 10 और 15 का ही अटैक। देखो अपने पॉकेमॉन का एक ही अटैक में कितना हेल्थ कम कर दिया इसने, मतलब आधा हेल्थ कम हो गया एक ही अटैक में। 2-3 अटैक में क्या होगा भाई, यहाँ पे मैं 7-7 का डैमेज दे पा रहा हूँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा का जाएगा, देखते हैं कितने का अटैक जाएगा। 8 का डैमेज गया, और अपने पॉकेमॉन भाई इसको कितने का डैमेज देगी, अनुविष्ट को भेजा अंदर साइड से ही मार भाई, बाहर साइड फेंकता हूँ, देखते हो तेरी भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट पॉकेमॉन है। इसको पता चल जाता है कि ये पॉकेमॉन मेरे को मारने वाला है और ये पहले ही मूव कर जाता है। तो अपन के अंदर से ही पॉकेमॉन से इसको पिटवाना है, इधर पे अंदर पॉकेमॉन बुला दो। और यहीं कहीं पे अनुबिष्ट रहता है, कहाँ पर गया बच्चे, अनुबिष्ट दिखाई नहीं दे रहा यार, इधर कहीं पे रहता है। तो भाई कहाँ गया यार अनुबिष्ट, यहीं पे था, उसका टैग नाम भी आ रहा है, बाहर पॉकेमॉन को भेजना पड़ेगा। इसको भेज देते हैं बाहर साइड, इसको भेजो के आ गया भाई, ये देखो टेलीपोर्ट होके अपने सामने आ जाता है। तो इसको एक और अटैक कर दे भाई, मार अपना पॉकेमॉन, इसको मैं ही देता हूँ 7 का डैमेज। तो अपना पॉकेमॉन भाई अंदर साइड से इस अनुबिष्ट को इजी तरीके से अटैक कर सकता है, मतलब डैमेज यार देखो 8 का डैमेज दिया अपने पॉकेमॉन ने, अभी फिर से अटैक करेगा, मैंने भी 8 का दे दिया है। तो अभी एक और अटैक देखते हैं इसका कैसा ही रहने वाला, चल भाई मार उसको, क्या ही कर रहा है यार, एक और अटैक गया तगड़ा वाला, एक एक धो का अटैक दे रहा। तो थोड़े पावरफुल पॉकेमॉन को लेके आना आप, क्योंकि इसको भाई मारने में ऐसे तो 4-5 घंटे से ज़्यादा का टाइम ही लग जाएगा, और थोड़े अगर पावरफुल पॉकेमॉन रहता है तो भाई इसको मार सकते हो, और अगर आप बेस बना के भी मारोगे ना तो भाई इसको नहीं मार पाओगे, क्योंकि इसके 1-2 अटैक आपके भाई पॉकेमॉन की बाट लगा देते हैं। तो मेरी लेवल भाई इस वाले पॉकेमॉन से 10 लेवल कम है, मतलब ये 47 का है और मेरा लेवल भाई 37 है। और एक बहुत ही गलत सीन हो जाता है, मैं जब इस अनुविष्ट से फाइट कर रहा था तो ये क्या पता भाई कैसे, ये भी देखना थोड़ी देर बाद, बस देखते रहो वीडियो को, बहुत ही गलत सीन होने वाला है मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं सामने पॉकेमॉन को भेजता हूँ, तो अनुविष्ट भाई इस पत्थर के अंदर आ चुका है, मैं तो उसको देख नहीं पा रहा था, बस वो मेरे को तगड़े तगड़े अटैक दे रहा था और अपने पॉकेमॉन को, मतलब मैं उसको नहीं मार पा रहा हूँ लेकिन वो मुझे मारे जा रहा है।
मतलब अपन गलत तरीके से फंस चुके हैं। देखो भाई ये अनुविष्ट बैठा हुआ है यहाँ अपन, वो भी पत्थर में अटक चुका है। तो कैसे भी करके अपन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो अपन इसको ऐसे ही मार सकते हैं। इस पत्थर के अंदर अपना अभी पॉकीमोन रहना चाहिए। अगर अपन अंदर साइड है और अपना पॉकीमोन बाहर साइड, तो वो भाई उसको मारेगा और अनुविष्ट ऐसे दीवार के अंदर चला जाता है अपनी ही तरह। भाई इसका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है इस गेम में, बट कोई बात नहीं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज और करता हूँ, तभी देखना भाई क्या ही हो जाता है। देखो अपना ड्रैगन इसको डैमेज करने वाला है। भाई कर यार, क्या ही देख रहा है उसको, मैंने भी किया लेकिन भाई ये ड्रैगन क्या ही कर रहा है यार। अटैक बोल दिया इसको, कमांड दी है तो उस हाथ से अटैक करना चाहिए, लेकिन अटैक ही नहीं कर रहा था। बहुत ही देर हो गई यार। भाई क्या नखरे है तेरे यार, अभी अंदर साइड बुला है तो ये वाला पॉकीमोन नहीं मारेगा क्या? देखते, एक अटैक दिया, बन बन का डैमेज दे रहा है ये वाला पॉकीमोन, बट सेकंड अटैक थोड़ा तेज है, पत्थर से फेंक दिया। और भाई ये क्या ही सीन हो गया यार, अपना पॉकीमोन देखो उसको क्या अटैक दे रहा है, और भाई अनुविष्ट बाहर साइड है। थोड़ी देर तक ऐसे ही फाइट चलती रहती है, फिर अनुविष्ट ही अपना दिमाग लगा के कैसे भी करके वो भी अंदर साइड आ जाता है। मैं दिखाऊंगा अभी, बस थोड़ा देर और रुक जाओ, यहीं कहीं पे वही सीन आने वाला है। अभी मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ इसका, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कम करता हूँ। अनुविष्ट भाई यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं छोटे अनुविष्ट को भेज देता हूँ, और भाई इसका भी एक एक दो दो का अटैक जा रहा था। मैंने भी इसको अटैक दिया थोड़ा सा, बट इसका भाई अटैक बहुत ही तगड़ा है, और इसका जो हेल्थ कम कर पा रहे हैं अपन, बहुत ही कम टाइम लग रहा है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम, मैं उल्टा बोल देता हूँ। बट कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करेंगे, क्योंकि भाई ये अपने अंदर ही आ जाता है, मतलब पत्थर के अंदर, और अपनी बाढ़ लगा देता है यार इस गेम प्ले में। तो मिलते हैं भाई, ये देखो भाई क्या ही सीन हो गया मेरे साथ। अबे तेरी भाई क्या ही अटैक है इसके, पत्थर के अंदर आ चुका है और अपनी बाढ़ लगा देगा, इतना मुझे पता चल चुका है। तो खड़ाघाट से कैसे भी करके इधर से भागना पड़ेगा, नहीं तो भाई इसका तो गेम बजा देगा ये, अपने पॉकीमोन को भाई ये बैठाएगा भी नहीं मुझे, क्योंकि ये देखो भाई क्या ही हो रहा है, अनुविष्ट भी पत्थर्स के अंदर घुस सकता है, ये मिथ भाई डेंजर है। अभी देखो यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं अपन, अनुविष्ट अपन को मार देगा, बट कैसे भी करके मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। मैं तो अपनी जान बचा लेता हूँ, लेकिन अपन नेक्स्ट वीडियो में अनुविष्ट को कैप्चर करेंगे, वो भी कम ही लेवल पे भाई, 6-7 लेवल का ही कम अंतर रहेगा, और अपन अनुविष्ट को कैप्चर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई मैं इस केप के अंदर से भी ईजी तरीके से निकल जाता हूँ।